लेफ्ट के छात्रों की लड़ाई अब संघ पर क्यों आई, यह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं शाम 7 बजे की 4 खास खबरें, कौन कौन सी रहने वाली। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, 14 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। जी न्यूज एक्सक्लूसिव में आपको राम मंदिर से पहले अयोध्या का ब्लूप्रिंट भी दिखाएंगे, बताएंगे मुंबई में क्या है 10 करोड़ वाली आफत, और साथ ही दिखाएंगे किस तरह सऊदी अरब की मासूम हूर को गाय से मिला है जीवन दान। लेकिन सबसे पहले बात यूपी में आईपीएस अफसरों के तबादले के नंबर गेम की करते हैं। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, आईपीएस अफसरों के गठजोड़ पर योगी सरकार की यह बड़ी कार्रवाई है। यूपी में 14 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी वैभव कृष्ण पर सर्विस रूल तोड़ने का आरोप है। एसएसपी वैभव कृष्ण का वीडियो जांच में सही पाया गया है। वैभव कृष्ण ने 5 अफसरों पर ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे का आरोप लगाया था। आरोपों से घिरे हुए 5 एसएसपी को उनके जिलों से हटा दिया गया है। आईपीएस अजय पाल शर्मा को पीडीएस उन्नाव भेजा गया है। अजय पाल शर्मा पर नोएडा में तैनाती के वक्त अश्लील बातचीत के आरोप लगे। और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, 14 आईपीएस के तबादले और खासतौर से एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड किया जाना, क्या है इसका कारण? देखिए, जो 14 आईपीएस जो बदले गए हैं यूपी के अंदर, उसमें सबसे अहम बात है जो 5 आईपीएस अफसरों को जिलों से हटाया गया है। इन 5 आईपीएस अफसरों के ऊपर एसएसपी नोएडा ने आरोप लगाया था कि किस तरह से वो ट्रांसफर पोस्टिंग और किस तरह से अवैध उगाही के धंधे में जो कुछ पत्रकार हैं जो कि स्टिंगर्स टाइप के जो काम करते हैं उनके साथ वो लिप्त हैं और उनके जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चला रहे थे। इस बात की शिकायत वैभव कृष्णा ने की थी, लेकिन इससे बड़ी बात यह थी कि शिकायत उन्होंने तब की जब उनका खुद का अश्लील वीडियो मार्केट के अंदर आया या उसको कह सकते हैं कि वायरल हो रहा था, और इसके बाद इसकी शिकायत की गई और उसमें पाया गया कि जो वीडियो है वो बिल्कुल सही है और जो आरोप लगाए गए वो भी काफी संगीन है। तो इस पूरी जांच को लेकर के सबसे पहले वैभव कृष्णा को सस्पेंड किया गया है, 5 जो जिन अफसरों के ऊपर आरोप लगाए गए थे उनको जिलों से हटाया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।